हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि 1550 रुपए पर क्लोजिंग दिया है। लास्ट ट्रेडिंग डे में इसमें बिकवाली देखने को मिली थी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने लाइफ हाई पर चल रहा था और इसने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट प्रस्तुत किया, उसके साथ ही इसमें भारी बिकवाली देखने को मिली और ये अपने उच्चतम स्तर से नीचे लुढ़क करके अभी ये 1550 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। उच्चतम स्तर दोस्तों इसका तकरीबन 1900 के आसपास था। यहाँ पर अब देखिए, ये लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा था और रिजल्ट के साथ ही इसमें काफी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो कि एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी वीडियो बनाए हैं जिसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं और हम लोगों ने इसमें लगभग 650 के स्तर से वीडियो बनाना शुरू किया था। और सारे वीडियो में हम लोगों ने यही पाया था कि इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और अभी ये स्टॉक जो है इतनी गिरावट के बाद भी अपने न्यूनतम स्तर से लगभग डबल पर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इसमें बिकवाली हावी हो रही है और जो हम निवेशक हैं, रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो ऊपरी स्तरों में इस स्टॉक में फंस गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर लॉस बुक कर लेना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए या इसमें कुछ शेयर और ऐड करना चाहिए। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसके फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं। और इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी खुद की राय बनाएंगे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लाइफ टाइम चार्ट को देखें, यहाँ देखिए ये काफी बुलिश फेज में चल रहा है। ये देखिए, काफी बुलिश फेज में चल रहा है। बीच बीच में इसमें गिरावट भी देखने को मिली है और काफी दिनों तक ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर वापस ये चलने लगता है। इसमें देखिए बीच में काफी गिरावट देखने को मिली थी, काफी दिनों तक ये शेयर गिरता रहा था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद से इसमें उछाल देखने को मिल रहा था और वापस रिजल्ट के आने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये अपने उच्चतम स्तर से गिर करके तकरीबन 1550 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये अपने 50 डेज एमा, 100 डेज एमा और 200 डेज एमा, इन तीनों ही इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में इसने अपने 50 डेज एमा और 100 डेज एमा को तोड़ करके ये 200 डेज एमा की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है, तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को इसके जो रिजल्ट हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वो आए हैं, वो कैसे देखने को मिले हैं, सबसे पहले उसको हम लोग चेक करते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग इस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं। तो इसके जो Q3 के नंबर आए हैं दोस्तों सेल्स के, वो 1509 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर ये 1156 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स में इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस में पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं। अब आइए दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें, तो लास्ट ईयर इनके जो Q3 में 224 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार ये बढ़कर के 325 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों हम लोगों को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। अब आइए दोस्तों हम लोग इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिलान कर लेते हैं। तो सेप्टेम्बर क्वार्टर में ये 1578 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में हल्का सा इसमें डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, 1509 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आइए सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। ये सितंबर क्वार्टर में ये 341 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में हल्का सा डिग्रोथ होकर के 325 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके जो रिजल्ट रहे हैं दोस्तों वो हल्के से वीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो ये शानदार देखने को मिल रहे हैं। और ये कंपनी जो है दोस्तों, इसके जो एक क्वार्टर के नंबर कमजोर हो गए तो इसको हम लोग खराब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी काफी
मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग स्ट्रांग की बात कर रहे हैं तो इसके स्ट्रांगनेस को अगर देखा जाए तो ये देखिए FY9 से FY20 तक के रिजल्ट हम लोगों के सामने स्क्रीन पर देखने को मिले। इनके सेल्स को देखिए, ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए FY9 से FY15 तक इनके सेल्स जो हैं लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। FY16 में इनका हल्का सा डीग्रोथ देखने को मिला, फिर वापस देखिए दोस्तों ये कंपनी जो है ग्रोथ में चली गई और FY20 में आकर के वापस एक बार डीग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों कि FY9 से लेकर के FY20 के बीच, तो इनके जो सेल्स हैं ये देखिए ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आइए सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY9 से लेकर के FY20 तक इनके जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों ये देखिए लगातार बहुत हाई रेट से ये ग्रो कर रहे हैं, इसमें कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर ओवरऑल देखें तो इनके जो नेट प्रॉफिट है FY9 के रेस्पेक्ट में FY20 में ये 12 गुना से ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो इनका सेल्स तो बढ़ा है दोस्तों 3 गुना और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 12 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी जबरदस्त ढंग से बिजनेस कर रही है। इनके इंटरेस्ट बर्डन को भी देखिए ये लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो सारे गुण होने चाहिए दोस्तों इस कंपनी के मजबूत कहलाने के, वो सारे गुण इसमें देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट में अगर इनका देखा जाए रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो रिजर्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छा इनका फंडामेंटल्स है, बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दी है साल दर साल। और इसके कारण रहे हैं कि इसके रिजल्ट एनुअल बेसिस पर काफी सही देखने को मिल रहे हैं। अब इनके डिविडेंड की भी बात कर ले दोस्तों, तो ये देखिए ये लगातार डिविडेंड देती है। ये देखिए इसने बोनस भी दिया है 2017 में 1:1 का। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं जो कंपनी कमाती है वही डिविडेंड भी दे पाती है और वही बोनस देती है। तो सारे के सारे गुण बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी अच्छा 128 times देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम लोग इसके पियर्स कंपनी जो है उससे भी कंपेरिजन करें तो वहां से भी कुछ इंडिकेशन देखने को मिलेगा। पियर्स कंपनी दोस्तों MRF, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, गुडियर इंडिया, टीवीएस श्री चक्रा, अगर इन सभी को मिलाया जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए सबसे ज्यादा है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोस्तों सबसे ज्यादा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 17.14% बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का है। तो फिनेंशियल पैरामीटर में, फिनेंशियल ओवरव्यू में भी ये कंपनी जो है सबसे टॉप में है। और अगर हम लोग बड़े इन्वेस्टरों का रुझान देखें इस स्टॉक में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो FIs हैं इन्होंने अपना दिसंबर क्वार्टर में स्टॉक इस कंपनी में बढ़ाया है। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं जो बड़े निवेशक हैं वो भी इसमें काफी बुलिश हैं। बुलिश हो भी क्यों नहीं, कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स ही इतने अच्छे हैं और लगातार ये कंपनी काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स लाई है। और यही कारण है दोस्तों इसने अपने निवेशकों को बड़े समय में, लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है, जैसा कि इसके ग्राफ से भी देखने में पता चल रहा है। ये काफी बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब आइए बात दोस्तों करते हैं टेक्निकल की, कि जब इतने उच्चतम स्तर से इसमें गिरावट आ रही है तो क्यों आ रही है। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ है कि जो इन्होंने Q3 के रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं दोस्तों, तो इन्होंने अपना एक कैपेक्स प्लान फ्यूचर का ये डिस्क्लोज किया है, जो कि 1900 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स करने का जानकारी दिया है एक्सचेंजों को। और इसमें जो अपने भुज प्लांट की कैपेसिटी को 50,000 MTPA से बढ़ाने जा रही हैं। और यही बात दोस्तों मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री ऐसे ही खस्ता हाल में चल रही थी, अभी कुछ इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और पूरा वर्ल्ड अभी भी कोरोना
से जूझ रहा है और ये कंपनी ग्लोबल फुटप्रिंट वाली कंपनी है। इसके बिजनेस 150 कंट्री से ज्यादा में पसरे हुए हैं, वहाँ अमेरिका हो यूरोप हो, और उस जगह में कोरोना अभी भी फैला हुआ है। तो इन्वेस्टर ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे कठिन समय में जो इनका कैपेक्स का प्लान है 1900 करोड़ का, वो काफी ज्यादा है और इस वजह से इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी कंपनी को अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेक्स को तो करना ही पड़ता है। समय अच्छा हो या खराब हो, लोगों को हमेशा काम करना पड़ता है। तो कंपनी भी अपना कैपेक्स प्लान लेकर के आई है, जिसका फायदा आने वाले समय में इन्वेस्टरों को मिलेगा। तो इस वजह से इसमें बिकवाली चल रही है। तो क्या अब हम लोगों को इसमें बेच के निकल जाना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि इसके जो प्रॉफिट रहे हैं और सेल्स रहे हैं काफी तीव्र गति से बढ़े हैं, फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है। तो अब हम लोगों को ये जो गिरावट है दोस्तों, ये हम लोगों को मौका दे रहा है खरीदारी करने का। तो अब बात आती है कि खरीदारी कब करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अपने 50 डेज एमा और 100 डेज एमा को तोड़ करके निकल चुका है, नीचे जा चुका है, और 200 डेज एमा के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट में अभी मूड भी ठीक नहीं है, रिजल्ट सीजन ओवर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्शन हावी होगा। तो इस स्टॉक में और भी इन लेवलों से बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट में तो ये काफी वीक हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि खरीदारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये चूंकि 100 डेज एमा को ये तोड़ चुका है, तो ये स्तर है दोस्तों कि इन स्तरों से हम लोग खरीदारी करके एसआईपी मोड में चलें, और इसमें और गिरावट आती है तो हर गिरावट में अगर हम लोग ऐड करें, और अगर 1300 के लेवल तक हम लोग ऐड करें इस स्टॉक को, तो ये काफी अच्छा मौका दे रहा है दोस्तों कि हम लोग इन लेवल से लेकर 1300 के लेवल तक अगर ये स्टॉक मिलता है या उससे और नीचे मिलता है, तो इसमें हम लोग ऐड करके चलें और लंबे समय तक बने रहें, तो ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में भी। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सब